hey guys so today we will discuss about the origin of the solar system and some important theories okay so first we see here there is a presence of sun and which is the common center of all the planets and other bodies present in the solar system and firstly we have our nine planets mercury venus earth mars jupiter saturn uranus neptune and pluto also we see our asteroids belt and then comets and Lots of vacuum space, okay, which are uh, which is of uh, gases and dust particles. So, we will discuss about how and why, uh, how basically the solar system is forming and how its formation takes place. So, let us start the solar system. Solar system comprises of sun, planets, moon, comets, asteroids, and some dust and gases, as we all know. जो सोलर सिस्टम है हमारा वो उसके अंदर सिर्फ सन ही नहीं है प्लैनेट्स ही नहीं है मून्स कॉमेट्स एस्ट्रॉइड्स एंड सम डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस हैं ये डस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि कुछ थ्योरीज तो यही बिलीव करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स की अक्यूमुलेशन से ही हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू मैंनेशन All the things revolve around the sun. As we all know, Sun is the common center for all the uh, other bodies present in the solar system. Sun is the common center, which contributes approximate 98% of all the material present in the solar system. Sun is a very large body and has more gravity that attracts objects towards it. And due to all, this object revolve more rapidly and try to fly away its empty outer space. एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता है कि जब कोई चीज़ तेजी से रोटेट करती है तो बाकी चीजें बाहर जाने को कोशिश करती हैं लेकिन सन क्या करता है उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है एंडहेंस देर इज ए बैलेंस इन बिटवीन द सोलर सिस्टम कैसे के जो प्लैनेट्स हैं वो बाहर जाने की टेंडेंसी है और जो सन है उसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स द सेंटर वो अंदर की तरफ खींचने की टेंडेंसी रख रहा है प्लैनेट्स को तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बन चुका है ओके एंड सन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ओके इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में हीट और लाइट की फॉर्म में एंड लाइट वी नो लाइट तो हम लोग वैसे देख पा रहे हैं ऑल्सो हीट का भी सोर्स हमारा सन है और वैसे भी सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल द प्लानट्स एंड स्टार्स ऑर्बिट द सेंटर ऑफ डिस्क विच इज़ अ स्पायरल डिस्क विद बिलियंस ऑफ स्टार्स कॉल्ड मिल्की वे गलेक्सी तो जितने भी हमारे प्लान्स हैं वो एक सेंटर ऑफ डिस्क है ना सेंटर मान लो हमारा सेंटर क्या है सन है बेसिकली तो उसके अराउंड एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर जैसे फॉलो कर रहे हैं वैसे हमारे बिलियन्स ऑफ स्टार्स हैं जो कि ऐसे रोटेशन में चल रहे हैं रेवोल्यूशन में चल रहे हैं और दीज आर ऑल अंडर द इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं मिल्की वे गलेक्सी कॉम्पोजिशन आर नाइन प्लान बॉडीज हैं सोलर सिस्टम की जो प्लानिट्स हैं पता ही हमको मरकरी टू नेपच्यून तक है ना एंड देन दिज प्लान रिवॉल्व अराउंड द सन इन दलिप्टिकल ऑर्बिट ऑर्बिट वो होता है बेसिकली ऑर्बिट इज बेसिकली पाथ है ना द पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाई इट इज़ द फिक्सड पाथ यूज बाय द प्लानट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन द ऑर्बिट ऑफ ऑल द प्लैनिट्स इज सेम विच इज़ क्लोज टू इक्वटोरियल प्लेन ऑफ द सन एंड प्लानट्स रोटेट अबाउट दियर एक्सिस टू ऑल्सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे प्लानट्स हैं वो एक बेसिकली एक ही प्लेन के अंदर है आप समझ रहे हो कि जैसे हम अगर ऊपर देखें इनका जो प्लेन है वो एक ही प्लेन है मान लो ये टू प्लेन मेंशन इमेजिन कर लो कि दिस इज दी प्लेन है ना आप समझ रहे इसको प्लेन को एक प्लेन मैंने मान लिया इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर वर्टिकल प्लेन आप किसी जिस प्लेन में रोटेशन हो रही है उस प्लेन एक सार यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है कि हाँ भाई नॉर्थ टू वेस्ट नॉर्थ टू ईस्ट ऐसा कुछ नहीं है जो डायरेक्शन है सबकी मान लो जैसे अर्थ हमारी रोटेट करके जा रही है उसी उसी सेम प्लेन के अंदर बाकी प्लैनेट्स भी रोटेट रिवॉल्व कर रही हैं बेसिकली है, है ना सन के अराउंड ओके तो 99.85 परसेंट इज कम बाय सन एंड 0.135 परसेंट कंपराइज बाय द प्लैनेट्स तो देख लो सन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड प्लैनेट्स कितना उसके सामने कितना कम परसेंटेज है हम जो इतना अर्थ कहने को इतनी बड़ी है पर है ओवरऑल कुछ भी नहीं है इन द सोलर सिस्टम एंड ना मंग जीरो पॉइंट उसके अंदर भी जो जुपिटर है प्लैनेट्स के अंदर भी जुपिटर सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज कवर करता है एंड जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव परसेंट कम्प्राइज़ ऑल अदर सेलिस्टियल बॉडीज जैसे मूनस होंगे ना कॉमेट्स मिटोराइड्स एस्टोरॉइड्स बाकी अदर बॉडीज़ है ना Nearly whole solar system appears to be empty space. जैसे मैंने पहले कहा था कि एक लॉट ऑफ स्पेस जो है वो हमारी empty space स्पेस है वैक्यूम स्पेस है जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि इंटर प्लानटरी मीडियम मान लो एक प्लानेट है दूसरा प्लानेट है उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होगी इंटर प्लानेटरी मीडियम है दैट हैज़ वेरियस एनर्जी फॉर्म्स एंड इंटर प्लानेटरी डस्ट एंड गैस जिसके अंदर क्या हो सकता है वो बहुत सारी एनर्जी फॉर्म्स हो सकती है इंटरप्लेनेटरी डस्ट और गैस हो सकता है और वो पार्टिकल जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे इस स्पेस के अंदर वो चार्ज्ड पार्टिकल हो सकती हैं और वो चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन बी द सोर्स ऑफ हम उसको क्या कह सकते हैं सोलर विंड कह सकते हैं उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को क्योंकि एक जो वो पार्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं सन की वजह से ही है क्योंकि सन जो होता है वो अपने रेडिएशन जो रिलीज़ करता है एनर्जी भी रिलीज़ करता है एनर्जी के साथ आयंस भी होती हैं और वो आयंस वो चार्ज पार्टिकल्स वो सोलर विंड भी उनको हम कह सकते हैं ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो प्लैनेट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ सन के पास होगी जो प्लैनेट सन के पास होंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए वो रिजिड होने चाहिए नहीं होने चाहिए कॉम्पैक्ट होने चाहिए नहीं होने चाहिए ओके सो उन प्लैनेट्स को हम क्या बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और ये पहले चार प्लैनेट्स होते हैं मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स जो कि हम इस कैटेगरी में काउंट करते हैं दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड रॉकी सरफेस लाइक जैसे हमारी अर्थ है इनका साइज़ छोटा होता है क्योंकि इतने ज़्यादा डेंस हो चुके हैं कि ये बिल्कुल इनका साइज़ छोटा बन चुका है इसीलिए जब हम लोग आउटर प्लैनेट्स की बात करेंगे वो काफ़ी लार्ज साइज के होंगे एज उनकी डेंसिटी बहुत कम है तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और मेनली वो गैसेस से ही बने होंगे इवन आप देख सकते हो कि जो डेंसिटी ऑफ सेचुर है वो वाटर से भी कम है इतनी कम डेंसिटी है ओके okay. मरकरी के मरकरी इज द स्मॉलेस्ट ऑब्वियस इज इट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द सन एंड इट हैज नो एटमोसफियर वाइल अदर हैज वाइल अदर थ्री जो हमारे इनर प्लान्स हैं उनके अंदर है मतलब वीनस अर्थ एंड मार्स के अंदर एटमोसफियर होता है मरकरी पे नो एटमोसफियर इट कैन बी द क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे इज आर मोर डेंसर कॉम्पोजिशन हाई डेंसिटी होती है इनकी है ना हाई डेंसिटी है तो हाई डेंसिटी को सहन करने के लिए गैसेस तो नहीं हो सकती तो सिलिकेट्स एंड मेटल्स रेट ऑफ रोटेशन भी इनका काफ़ी फास्ट होता है इवन जो मरकरी है उसका सिर्फ 88 88 डेज लगते हैं उसको अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट टू द सन है और इन द अदर साइड हम लोग बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं आउटर प्लैनेट्स को क्या बोल देती हैं जोवियन प्लैनेट्स बोल देती हैं जैसे उसका नाम क्या था अदर नेम क्या था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स था ओके विच मीन्स जुपिटर लाइक क्योंकि जुपिटर काफी लार्जेस्ट है पहले बात कर चुके हैं इट इज जैंट एंड गैसेज इन नेचर ओके दीज कंप्राइजेस ऑफ प्लानट जैसे इसमें बाकी जो अदर फोर रह गए हमारे वो इसके आ जाएंगे जुपिटर सेच्युरन यूरनस एंड नैपचून डेंसटीन की लो होती है कम्पोजिशन की बात करें द लो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन हीलियम वाटर अमोनिया मिथेन दीज आर गैसेस मिथेन एंड अमोनिया है ना हाइड्रोजन हीलियम दीज आर मेनली अप ऑफ गैसेस रेट ऑफ रोटेशन भी इनका काफ़ी लोअर होता है और रेवोल्यूशन भी ऑब्वियसली काफ़ी इनका ग्रेटर टाइम इट विल टेक टू कम्प्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन एंड देन वी स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना कैसी है एक कॉमन हम लोगों ने थ्योरी सुनी ही होगी कि बिग बैंग थ्योरी ना इसके ऊपर ही काफ़ी एक्सेप्टेबल है न, न, नेबुलर हाइपोथेसिस है ना तो एक्चुअली क्या होता है हम अगर इसको एक रफली समझें कि हमें किसी ले मैन को समझाना है तो कुछ नहीं बस सिंपली सबसे पहले क्या हो गया कि जो हमारी गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स की अक्यूमलेशन होती गई जैसे सिंपल लिखा कि फाइव बिलियन ईयर एगो जो गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स थे उनकी अकोमिनेशन हुई जिसको हम बोल देते हैं नेबुला और यहीं से हमारा सोलर सिस्टम का ओरिजिन स्टार्ट हो गया है तो फिर क्या हो गया देर आर अबंडरल गैलेक्सीज बहुत सारी गलेक्सीज थी जिसको हम क्या बोल देते हैं कॉल्ड स्टीलर नर्सरी विच आर डेंसर पार्ट ऑफ द क्लाउड दैट रोटेट भी कर साथ साथ ये नहीं है वो वो रोटेट करती जा रही है और एक बड़ा सा गैस का ग्लोबल बनाते जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रीमिटिव टाइम में जो सोलर uh, सिस्टम था जो गैस ग्लोबल था वो कौन सी उसने वेव्स रेडिएट की थी तो रेडियो वेव्स एंड इन्फ्रा रेडियो वेव्स ओके तो उसने वो वेव्स भी स्टार्ट करी जब कोई एनर्जी रिलीज होती है तो कोई भी बॉडी है जो वो कूल cool डाउन हो जाती है देन दिस गैस ग्लोबिल गेट कंप्रेस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड बाय द अदर फोर्सेस द ग्लोबल स्टार्ट रोटेटिंग ओके तो ग्लोबल रोटेट करता जा रहा है एंड देन द ग्लोबल रोटेट करता जा रहा है देन अराउंड सम स्टार्स देर इज अ डिस्क तो उसने क्या किया एक अराउंड स्टार्टिंग वी कैन सी बोथ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेज इनिशियली हमारे पास थे पहले कह चुके हैं कि डस्ट और गैस पार्टिकल्स थे जिस जो कि ग्रेविटेशन की वजह से काफ़ी अक्यूमेशन की वजह से कंपैक्शन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है काफ़ी हैवी बन गया और जो लाइटर पार्टिकल्स थे बेसिकली जो गैसेस थी वो मूव फार अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर कोर से वो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है एंड देन देर टेम्परेचर इज़ वेरी लो सीधी सी बात है जो दूर चला जाएगा उसका टेम्परेचर भी फॉल कर जाएगा एंड कंडेंस टू फॉर्म उन्होंने प्लैनट्स भी बना लिया लेकिन लो डेंसटी के प्लानेट एस जो सेंटर के पास वाले प्लानट्स हैं वो हाई डेंसटी वाले हैं हम जैसे कह चुके हैं ये एक ओवरऑल सरफेस व्यू है लेकिन हम अभी मेन थ्योरीज की बात करेंगे हमारे पास तीन से पांच शायद थ्योरीज भी आएंगी उसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझेंगे ओके okay, तो हाउ मेनी मून्स इन द सोलर सिस्टम ये भी एक चीज़ बन जाती है क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर मूनस इन सोलर सिस्टम जैसे मरकरी पे कोई मून नहीं होता वीनस पे जीरो मून अर्थ पे वन मून मार्स पे टू जुपिटर पे सिक्सटी नाइन सेचुरिन पे 62, यूरेनस पे 27, सेवन पे 14 एंड टोटल वी हैव 175. तो प्लैनेट्स के टोटल मून्स पे क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम मून्स कंटेनिंग प्लैनेट ये क्वेश्चन बन सकता है एंड मिनिमम के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने ऑप्शन में मर्करी और वीनस दिया या नहीं है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आई गैस ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि मैक्सिमम मून मून्स जुपिटर उसका आंसर है ओके एंड प्लैनेट जो होते हैं हमारे जैसे प्लूटो मेक सीरीज इनके अंदर भी हमारे पास मून्स है लेकिन इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर है तो एक बार आप इनको देख सकते हो ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो देर आर सम थ्योरीज फर्स्ट इज एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड दिस विच इज मोर प्रेफरेबल एंड सेकेंड इज़ कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या एक सीक्वेंस के अंदर बना है लेकिन कैटास्ट्रॉफिक के अंदर क्या हो गया कि कोलिजन हुई है इसके अंदर या फिर दो स्टार्स की कोलिजन की वजह से बना है तो हम इसको चीज़ों को समझते हैं जैसे जो एवोल्यूशनरी थ्योरीज है दीज थ्योरीज जस्ट दैट दीज प्लैनेट्स आर दैट द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ़ सन कि सन का साथ साथ एवोल्यूशन होता गया सन का एवोल्यूशन हो रहा है और उसके साथ साथ पैरेलली हमारे पास प्लैनेट्स बनते जा रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छी जो बेस्ट थ्योरी जो मानी गई है वो नेबुलर हाइपोथीसिस है देन कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज क्या होती हैं मैंने पहले बताया कि आपको प्लैनेट्स वर फॉर्म बाय सम स्पेशल एक्सीडेंट और कैटास्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफी जो कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है कुछ चीज़ को ब्रेक uh, डाउन कर जाना ना कुछ चीज़ टूट जाना सच एज क्लोज अप्रोच बिटवीन द टू स्टार्स और बाय कोलिजन बिटवीन द टू स्टार्स ऐसे बनती है मैंने कहा ना क्लोज इन की वजह से तो डिस्ट्रक्शन और वी कैन से हाउवर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इज वेरी रेयर इसकी पॉसिबिलिटी रेयर है इस करके इन थ्योरीज को भी थोड़ा सा प्रेफरेंस इतनी मतलब नहीं दी जाती प्लेनिस्टिमल हाइपोथीज एंड गैसेज टाइडल हाइपोथी जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ओके देन द मेन वेरियस हाइपोथीसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ प्लान ऑफ सोलर सिस्टम आर nebular hypothesis, planestimal hypothesis, gaseous tidal hypothesis, binary star hypothesis, and recent theories. recent theories are the conclusion and uh, nebular hypothesis is the very famous. and these are also some theories which are also mentioned here. so let us discuss one by one. firstly, we have nebular hypothesis. this is nothing but important. हम इसके बारे में मतलब नथिंग का मतलब ये है कि हम पहले सब डिटेल में पढ़ चुके हैं बस अब उसको एक सीक्वेंस वे में देखना है ओके दिस हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय द जर्मन फिलोसोफर कैंट एंड लैपलेस इन द 1796 नाइन्टी सिक्स एंड एज की कोई दिक्कत नहीं है हमें डेट्स नहीं याद करनी तो लैपलेस एंड कैंट ने दी थी ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है This hypothesis assumes that there was existence of slowly rotating disc-shaped large mass of globule of gas called nebula. hum pehle keh chuke na nebula hamara jo ek large globule था gases का और dust का dust particles का उसको हम nebula बोल देते हैं एक rotating disc थी basically वो जैसे हम लोग diagram में देख पा रहे इधर जो center में है वो वो है एक ओवरऑल देखे तो एक ये डिस्क की तरह हमें देखने को मिल रही है ओके और स्टार्टिंग में ही सेंटर से ही थोड़ा सा ग्लोब्यूल है अब जैसे ऊपर से दिख रहा है वैसे ही नीचे से भी हो गई है ना अब इसको थ्री एक बीच में बॉल रख सकते हो आई कैन इमेजिन लाइक दैट ओके फाइन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द एनर्जी ड्यू टू कूलिंग अब कोई चीज़ की एनर्जी लॉस होती है तो कूलिंग तो होगी ना बाय रेडिएशन हम पहले बात कर चुके हैं विच रेडिएशन विच एनर्जी रेडियो एंड इनफ्रा रेड रेडिएशन है ना इंफ्रा रेड रेडियो इंफ्रा रेडियो ओके तो रेडिएशन की वजह से क्या होगा आ, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा स्मालर होता तो जाएगा ड्यू टू द स्पीड ऑफ रोटेशन उसकी बढ़ती जाएगी टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि आप अपने दोनों हैंड्स को ऐसे बाहर निकाल के घूमना स्टार्ट कर दीजिए रोटेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए एंड देन फिर आप सेकंड क्या करो दोनों हाथों को अंदर फोल्ड कर लो फिर रोटेशन करनी स्टार्ट करो तो उस रोटेशन से क्या होगा आप लोग ये देख पाओगे कि सेकंड टाइम सेकंड केस में जो अपने हैंड्स को अंदर रखा हुआ है तो आप ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे हो ऐसे ही सेम हमारा यहाँ पे हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद उसकी एंगुलर मोमेंटम भी उसका बढ़ जाएगा वो और तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगा ओके ड्यू टू दिस सेंटिफिकल फोर्स इन द इक्वेटोरियल जोन इनक्रीज कोजिंग इट टू बल्ज आउट इन द इक्वेटोरियल जोन एक बल्ज आउट हो जाएगा ओके इन द इक्वेटोरियल जोन जिस जोन के अंदर वो हमारे जिस प्लेन के अंदर ये लाई कर रहे हैं ये सेकेंड केस में देख सकते हैं हम लोग ठीक है इवेंचुअली आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ नेबुला रोटेटेड सो फास्ट दैट द रिंग्स कॉट सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग नेबुलर बॉडी देन रोटेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि उनके बीच में या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिंग्स सेपरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे एक ये हमारा सेंट्रल में फ्यूचर सन है द्रिंक्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग नमलर बॉडी ओके तो जैसे इसमें एक ये एक पोर्शन बन गया है ये एक यहाँ पे एक हो गई है कंडेंसेशन कंड कह सकते हैं ये बेसिकली फ्यूचर प्लैनेट्स हैं और ये फ्यूचर सन है ये फिर प्रिमेटिव सन है अभी फ्यूचर में इसको सन बनना है और इनको कॉम्प्रेस होकर इनको प्लानिट्स बनना है ऐसे करके एक रिंग uh, टाइप है कि ना कंसेंट्रिक फॉर्म में डिवीजन हो जाती है दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन ऐसे धीरे 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 दूर की तरफ होते सन से दूर होते रहते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है बहुत सारी रिंग्स बन जाती हैं सक्सेसिव रिंग्स ऑफ गैसेज मटेरियल बस थ्रोन आउट फ्रॉम द सेंट्रल मास ओके सेंट्रल मास से वो थ्रोन आउट हो जाएंगी एंड फाइनली रिंग्स कंडेंस टू फॉर्म प्लानट्स एंड द सेंट्रल मास श्रिंक एंड फॉर्म द सन ओके तो हम यहाँ पे सन और प्लान्स बना चुके हैं प्लानिटोड्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड वेन रिंग ब्रोकर इन टू मैनी फ्रेगमेंट्स जब ये रिंग ब्रोक कर जाती तो हैं, हैं तो प्लानिटोइड बनती हैं फिर प्लानिट्स बनती हैं तो हम यहाँ पे सिम्पली सिक्वेंस देखें अगर तो सबसे पहले हमारे पास यंग सोलर नेबुला ही ये देन वो नेबुला रोटेट कर रहा है फ्लैट कर गया ओके okay? एंड प्लेस्टिमल बनने स्टार्ट हो गए हैं विद इन द श्रिंकिंग डिस्क एंड देन प्लेस्टिमल जब हमारे बनने स्टार्ट हो गए हैं ग्रो करने स्टार्ट हो गए हैं ग्रेविटेशन पुल से तो उस पुल से क्या हो गया कंडेंशेसन हो रही है तो नेबुला जो हमारा सेंट्रल पार्ट है वहाँ से उस गैस और डस्ट की अक्यूमलेसन करते ही जा रही हैं तो कुछ हमारे पास प्लेस्टिमल्स जो होते हैं वो कोलाइड कर जाती हैं और कोलाइड करने से वो जुड़ जुड़ते जा रहे हैं और कुलीजन होती जा रही है जुड़ते जा रहे हैं कुलिजन होती जा रही है जैसे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड तो उसमें क्या होता है जैसे हमारे पास पहले बहुत स्मॉल माइक्रो लेवल पे बबल्स होते हैं देन वो बबल्स कोलाइड करते रहते हैं एंड देन लॉट ऑफ कोलिजन के बाद वो एक ड्रॉप बन जाती है फिर बहुत सारी ड्रॉप के बाद वो लार्ज ड्रॉप बन जाती है फिर हैवी क्लाउड बन जाता है देन रेन हो जाती है ऐसे ही सेम तरीके से यहाँ पे भी जो हमारे स्मॉल हैं वो वो डस्ट सारे सारे गैसेस और डस्ट के बने हुए देखो तो उन सबकी कुलीजन से लार्ज हमारे पास ऐसे रॉकी मटेरियल बनने स्टार्ट हो गए हैं ओके फिर वही हमारे फ्यूचर में प्लैनेट्स बनने वाले हैं प्लैनेट्स बिगिन टू ग्रो द एक्सेस डस्ट एंड गैस ग्रेजुअली रिमूव हो जाएगी और बीच में वैकेंट स्पेस रह जाएगी और वी कैन से हमारे पास जो वैकेंट स्पेस जो बची है अब देख क्या रहे हम लोग उसके अंदर सन और प्लैनेट्स बन गए हैं बाकी सारी स्पेस जो डस्ट थी वो हट चुकी है देन वी कैन से आवर सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड ओके तो इस थ्योरी के कुछ ना ड्रॉबैक्स थे अब ड्रॉबैक्स भी काफी मतलब बढ़िया है एक ही ड्रॉबैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एंगुलर मोमेंटम का है दिस हाइपोथीसिस वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सोलर सिस्टम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये नहीं समझा पाया कैसे जो सन है हमारा वो नाइन्टी नाइन परसेंट मास कंट्रीब्यूट करता है तो इसके हिस्से में नाइन्टी एट परसेंट तक एंगुलर मोमेंटम आ जाता तो हम लोग कन्विंस हो जाते हैं पर सच्चाई बिल्कुल उल्ट जो हमारा सन इतना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन इसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जो एंगुलर मोमेंटम आया है वो सिर्फ टू परसेंट है जो नाइन्टी एट परसेंट है वो प्लैनेट्स में कंसनट्रेटेड है तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट क्रिएट हो गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है इट मीनस सन शुड रोटेट फास्टर बट एक्चुअली इट डू नॉट सो ऐसा नहीं है इतना फास्ट रोटेट नहीं करता सन जिसके हिसाब से उसका आ, रोटेट करना चाहिए उसको ओके okay, तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक की, की तरह देखा जाता है ड्रॉबैक पे क्वेश्चन बन सकता है इट इज़ द मोस्ट पॉसिबल दैट रिंग्स दैट गोट डिटैच फ्रॉम द जो डिटैच हमारी मैंने कहा था रिंग्स डिटैच हो रही हैं तो वो बाहर जा सकती हैं रदर देन कि वो कंडेंस हो के सॉलिड प्लान कि वो सन से दूर हो के प्लान बना रही हैं कोल्डर प्लानट्स ही सही लेकिन प्लानट्स बना रही हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि वो दूर जाने के बाद एस्केप भी हो सकती थी

बेसिकली जैसे हमारे पास एक तो सन है ही है सन इज़ ऑल्सो स्टार तो उसके पास से एक और स्टार गुजरता है लेकिन वो दूसरे स्टार का इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है वो अट्रैक्शन कर देता है जिसकी वजह से जो जो हमारा स्टेशनरी जो सन होता है उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है डिस्ट्रक्शन कॉज करता है बेसिकली कैटास्ट्रोफिज्म कॉज करता है कि एक ऐसे स्पिंडल शेप में उसकी सेपरेशन कर दी तो फिर वो क्या कर लेंगे प्लैनेट्स बन जाएंगे तो ये मेन मेन बात इसके अंदर यही है ओके okay. बाद में इसके ऊपर सवाल भी उठते हैं ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो दिस स्टार एग्जर्टेड ए स्ट्रोंग ग्रेविटेशनल फोर्स ये सन के ऊपर कॉज uh, करती है दैट एजेंट मास ऑफ गैस वॉज टोर्न आउट फ्रॉम द सोलर मटेरियल सोलर मटेरियल से गैसेस का मास टर्न आउट हो जाएगा ऑफ द सन लेटर ऑन दिस ब्रोकन फ्रैगमेंस फॉर्मड ए ह्यूज फ्रॉम फॉर्म्ड ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चंक्स विच गॉट कूल्ड बाद में वो क्या करेंगे वो जो टुकड़े बने हमारे पास वो ठंडे पड़ जाएंगे कंडेंस हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्लेनेस्टिमल्स एंड दे स्टार्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन दीज प्लेनेस्टिमल्स एक्टेड लाइक द न्यूक्लिया एक अभी यहाँ से शुरुआत हो गई है किसकी शुरुआत प्लेनेट्स बनने की अब हमारे पास एक न्यूक्लियाई बन गया मान लो एक डॉट बन गया है अब इसकी क्या होगी एक्रीशन होगी एक्रीशन क्या होता है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो भी स्मॉल साइज टू लार्ज साइज बन जाता है क्योंकि एक उसकी इंटरनल ग्रोथ होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है लेकिन जब किसी चीज़ की इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है तो उसको हम बोल देते हैं एक्रीशन फॉर एग्जाम्पल जो हमारी कोई बिल्डिंग बनती है है ना तो बिल्डिंग क्या बन रही है वो ईंटों से बन रही है एक ईंट उसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे बहुत सारी ईंटें बन के एक पूरी बिल्डिंग तैयार करती हैं तो अक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे यहाँ पे एक किस चीज की हो रही है डस्ट पार्टिकल्स की एंड देन वो लार्ज शेप बनती रहेगी देन फॉर्म द प्लैनेट्स ओके द अदर क्लस्टर प्रेजेंट नियर द प्लैनेट्स फॉर्म्ड सेटेलाइट्स जो छोटे मोटे और अदर क्लस्टर्स हैं वो प्लैनेट्स के आसपास वो सेटेलाइट बना लेंगे तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं ड्रॉबैक्स हमारे पास रहेंगे द स्पेस स्पेस इज वेरी वास्ट जो space है वो वेरी वास्ट है इतना वास्ट uh, स्पेस होने के बाद दो स्टार का ऐसे अप्रोच करना एक रेयर चांस है सबसे पहला ड्रॉबैक तो इसका यही है एक दूसरा मोस्ट मटेरियल दैट इजेक्ट आउट बाय एक्सप्लोसिव एक्शन ऑफ सन वुड हैव कम फ्रॉम द इंटीरियर एंड इट इज़ हॉट सो दैट इट disperses द स्पेस रदर दैन कंडेंसिंग टू प्लैनिट कि जब वो उसके पास से चलो बाई चांस उसके पास से वो गुजर गया तो बहुत इंटरनल जो उसका मटेरियल जो बाहर आना है वो हॉट है तो उसका प्लानट्स में कंडेंस हो जाना तो ये भी लोगों को या फिर साइंटिस्ट को हजम नहीं हुआ ठीक है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता ऑल दो द एंगुलर मोमेंटम इमपार्टड बाय द पासिंग स्टार इज़ ग्रेटर दैन इट इज़ प्रोड्यूसड बाई द रोटेशन तो उसका इतना जैसे जा, जा, उसके पास से गुजरा है वो तो उसका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा था जितना उसका अफेक्ट सन के ऊपर आना चाहिए था उतना अफेक्ट आया नहीं जितना उसकी होना चाहिए था तो सबसे यही बात है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये होना ही नामुमकिन है कि ऐसे वो करें ठीक है तो ये हमारे पास मेन मेन थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया देन हमारे पास आ गई सेकेंड थर्ड नंबर पे गैसेस टाइडल हाइपोथेसिस ये बिल्कुल uh, कहीं ना कहीं इसको इसके अंदर क्या था कि दिस हाइपोथेसिस इज सेम एज द प्लेनेस्टिमल हाँ ये प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस की तरह ही है ओके इट वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स जीन्स एंड इन 1925 दे दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्टार्स इसमें क्या था दो स्टार्स की एग्जिस्टेंस थी एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द पासिंग स्टार टाइड्स क्रिएट होगी बस पिछले में उसने कहा था कि एक ऐसे स्पिंडल शेप मर करके कुछ बनेगा अट्रैक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से लेकिन इसमें क्या होगी टाइड्स क्रिएट हो गई हैं अट्रैक्शन की वजह से ओके okay. शेप इसमें भी कुछ ऐसे रहेगी ऑलमोस्ट पहले की तरह बस इसमें मतलब कहन ये हमारा देखो पास से गुजर रहा है हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये सन था और ये आ, मैसिव स्टार है जो उसके पास से गुजर रहा है एक उसने इसको बना दिया अट्रैक्शन की वजह से जिस ब्रोकन फिलाेंट स्पिडल था वो ये भी अनस्टेबल था बिल्कुल सिमिलर है पहले की तरह सो इट ए गेट ब्रोकन ओके यहाँ पर टाइडल एक्शन हो गया बेसिकली है ना उसको टेन पीसीस में ब्रोक कर दिया वन टू थ्री फोर करके टेन पीसीस बन गए हैं जो फर्दर बाद में ब्रोक कर जाती हैं प्लानिटोट बना लेती हैं एंड देन फर्दर वो प्लैनेट्स बना लेती हैं तो ऐसे इसमें सिंपल बताया गया है सम न्यूली फॉर्म प्लैनेट्स गॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिप अराउंड द सन जिन्होंने सेटेलाइट बना लिया तो इसके ड्रॉबैक्स भी वही रहेंगे मेन मेन तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो पासिंग स्टार इम्पोर्ट द एंग वही एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से वो मतलब कि ऐसा आ, सही नहीं होता कि जैसे जिस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का अफेक्ट आना चाहिए था वैसा आया नहीं है द हॉट एक्वस मास हॉट गैसेज मास दैट पुल्ड अवे फ्रॉम सन वुड नॉट फॉर्म सॉलिड प्लानिट्स उनको तो बल्कि डिसिपेट कर जाना चाहिए स्पेस के अंदर तो उनको सॉलिड प्लैनेट्स नहीं बनाने चाहिए जैसे इसने प्रोटोप्लैनट्स में बना के दिखा रखे हैं तो इस बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बन सकते यहाँ पे फिर आगे हमारे पास बाइनरी स्टार हाइपोथीसिस ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये एज्यूम क्या करती है कि प्लैनेट्स दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट बिफोर द बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लान सन हैड एक कंपेनियन स्टार सन के साथ एक कंपेनियन स्टार था तो उस दोनों स्टार्स ने क्या किया एक दूसरे को अप्रोच किया तुम कह सकते हैं कि डबल स्टार है ना डबल स्टार हो गए यहाँ पे एंड ड्रैगड अवे द कंपेनियन स्टार द गैसेज फिलामेंट वॉज टोर्न फ्रॉम द कंपेनियन स्टार एंड रिमेन क्लोज टू द सन तो उसका गैसेज जो फिलामेंट था उसको टोर्न uh, कर दिया गया तोड़ दिया गया जैसे देखो ये ओके देन प्लैनेट्स वहाँ पे ओरिजिनेट हो गए हैं उस गैसिस फिलामेंट से इन द सेम वे जैसे टाइडल हाइपोथीसिस में है तो ये तीनों थ्योरीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं देन वी हैव द रीसेंट थ्योरीज और वी कैन से द प्रोटो प्लानिट थ्यूरीज तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर uh, रहेगी हमारी नेबुलर हाइपोथीसिस के तरह बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आप सिंपली इसको देख सकते हो और ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है मैंने पहले कहा था ये एट प्रेजेंट इसी थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं इसमें बेसिकली चेंजेस क्या किए गए हैं जो हमारी नेबुलर हाइपोथीसिस के अंदर एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट आया था कि हाँ भाई एंगुलर एंगुलर मोमेंटम वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है मास के हिसाब से उस चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि ड्रॉबैक्स ना रहें हालांकि ड्रॉबैक तो फिर भी है इसका तो इसके मेन पॉइंट क्या रहेंगे इसके कि गैसेज नेबुला था जो रोटेट कर रहा था ग्रेविटेशन अट्रैक्शन हुई वही सेम चीज़ें बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है एडिस क्रिएट हो गई इन ग्रेविटेशन अट्रैक्शन सच प्रोटो प्लान एंड जो हमारे टुडे आज के टाइम पे जो प्लैनेट्स बने हैं वो प्रोटो प्लान से बने हैं बिल्कुल उन्हीं से ही। सो so, जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था वो सन के पास रह गए एंड जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम था जो वॉलेटाइल्स थे वो अवे फ्रॉम द सन हो गई जिनकी लो डेंसिटी थी है ना तो और एक और बात जो प्रेमेटिव हमारा सन था उसका एक मैगनेटिक फील्ड था जिसकी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन्स थे वहाँ पे प्रेजेंट वो एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन आयंस थे और वही बात ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सन टू गैसेस आयन्स टू डाउन बिल्कुल वही चीज़ें मतलब जो हमारी थ्योरी थी उसी का ही यहाँ पर एक अपडेट वर्जन दिया गया आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं और मैं आपका इसको पी डी एफ वर्जन भी पी डी एफ जो फॉर्मेट है इसका मैं आपको दे दूंगा दिस प्रोसेस एक्सप्लेन हाउ डस्ट क्लाउड्स वर डिवाइडेड टू टू रीजन्स तो इन प्रोसेस से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो कैसे उसके दो रीजन में डिवाइड हो गया जो इनर वाला था वो सॉलिड पार्टिकल है जो आउटर है वो गैसेज है तो यहाँ पे हम लोग बहुत ब्यूटिफुल पिक्चर देख सकते हैं कि जो सन है वो काफ़ी लार्ज मैसिव बॉडी है ऑब्जेक्ट है कह सकते हैं हम लोग जो कि नाइन प्लेनिट्स को होल्ड करके रखे हुए हैं अपने जो सोलर सिस्टम के अंदर है okay so we can here also compare the size in between these planets okay so if you like this video please do subscribe and share this channel to all your friends thank you so much for watch watching this